हाँ तो बात कीजिए रियलमी की तरफ से, रियलमी 10 4G करके जल्दी आपको इंडिया में एक नया स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। तो जब इस वीडियो में इसकी स्पेसिफिकेशंस, प्राइस पॉइंट प्लस इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है सारी बातें आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो आरंभ करते हैं। तो बात कीजिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek का G99 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और बात कीजिए 4G प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको 4G सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। हालांकि इसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप LPDDR4 इसके रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। बात कीजिए कैमरास के बारे में, तो इसमें आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप, 50 MP मेन कैमरा और 2 MP का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो प्राइस के आधार पर एवरेज या फोटोज और वीडियोज ले पाओगे। बात कीजिए बैटरी चार्ज के बारे में, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और जो चार्जर होने वाला है वो आपको बॉक्स में ही देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए UI के बारे में, तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 3.0 विथ Android 12 रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और देखिए इनका जो UI है, अब मैं बहुत सुना हूँ कि इसमें एड्स आ रहे, तो आपको जरूर करना है कि जितने भी पर्सनलाइज एड है उन्हें सेटिंग में जाकर बंद कर देना है, और जितने भी एड्स या ब्लूटूथ एड्स होते हैं जो अनइंस्टॉल होते हैं उन्हें अनइंस्टॉल जरूर ही कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका फोन भी फास्ट चलेगा, प्लस जो आपको UI यूज करने का एक्सपीरियंस है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, देखिए जो पूरा फोन है आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिलने वाला है। हालांकि जो गोल्डन कलर का फोन हमारे सामने आया हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल देखने को लग रहा है। आगे बात की सेंसर्स के बारे में, तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, 3.5mm जैक। अब देखिए डुअल स्टीरियो स्पीकर मिले कि नहीं मिले, कोई चांसेस तो नहीं है कि Realme XL डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं देता है, लेकिन दे दे तो अच्छी बात हो। डुअल यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, नहीं आप चाहो तो 2 SIM कार्ड, फिर 1 SIM कार्ड और 1 MicroSD कार्ड एक साथ में यूज कर सकते हो। बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, और इंडिया में कब लॉन्च होगा, देखिए अभी लीक आई तो आराम से अगले महीने यानी देखिए नवंबर के लास्ट वीक में, हाँ पहले ये ग्लोबली जाएगा उसके बाद में आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला, कि अक्टूबर का मंथ तो खत्म ही हो जाएगा, तो नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर का फर्स्ट वीक में आपको इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, तो ये देखिए मिनिमम 13,000 जाना चाहिए, 13,000 से ऊपर अगर जाएगा तो रेडमी नोट 12 इंडिया में एक जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, इसके बाद से नवंबर दिसंबर आसपास ही। तो वहाँ पर भाई आपको 15,000 से 16,000 में 5G स्मार्टफोन और सब कुछ बढ़िया देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये 12 से या 13 से मिनिमम मैक्सिमम अगर 13 से ऊपर जाते हैं तो इसके लिए भाई कोई वर्थ इट मेरे हिसाब से तो नहीं रहने वाले। हालांकि जब उस टाइम फोन होगा तब पर मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि वर्थ इट है कि नहीं, लेकिन अगर ये 13 से ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा वर्थ इट नहीं होने वाले। अगर 12,000 के आसपास भी आता है तब इसे आराम से आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।